Assalamu alaikum. Hey guys, welcome to my channel. In today's video, I'm going to talk about how's Kinnaird as a university. Well, it's my second year in Kinnaird and my third semester is almost completed. Kafi ladkiyon ko Kinnaird jaane ka shauk hai, isi tarah mujhe bhi shauk tha, and finally I am here. So guys, Kinnaird as a university is very tough. अगर आपको लगता है कि यहाँ बहुत ही चिल वाला सीन है, पढ़ना नहीं पड़ता, तो ये बिल्कुल गलत है. मुझे भी यही लगा था, बट गाइज इट इज़ टोटली ऑपोजिट. बहुत पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, फिर ही जाके अच्छे मार्क्स मिलते हैं. सो गाइज, सबसे पहले मैं आपको कनेड के सेमेस्टर सिस्टम्स का बता देती हूँ. यहाँ पर दो सेमेस्टर्स होते हैं एक साल में, और जो पहला सेमेस्टर होता है वो होता है फॉल सेमेस्टर, जो सितंबर में स्टार्ट होता है टिल दिसंबर. इसकी ड्यूरेशन 4 मंथ्स होती है. इसके बाद विंटर ब्रेक मिलती है. इसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, जो कि होता है स्प्रिंग सेमेस्टर. स्प्रिंग सेमेस्टर की ड्यूरेशन 5 to 6 मंथ्स होती है. मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में स्टार्ट होता है और जून की स्टार्टिंग तक ख़त्म हो जाता है. एंड इसके बाद हमें समर हॉलीडेज़ मिलती हैं. तो जब सेमेस्टर स्टार्ट होता है, हर सब्जेक्ट में 2 असाइनमेंट 2 क्विज़ होते हैं, जो कि 10-10 मार्क्स के होते हैं. फिर मिड, जो मोस्ट प्रोबेबली 25 मार्क्स का होता है. इसके बाद 1 असाइनमेंट 1 क्विज़ 1 प्रोजेक्ट एंड देन फाइनल एग्ज़ाम. प्रोजेक्ट ग्रुप में होता है और 15 मार्क्स का होता है. जो फाइनल एग्ज़ाम होता है वो मोस्ट प्रोबेबली 35 या फिर 30 मार्क्स का होता है. सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है. हर सब्जेक्ट में ऐसा ही होता है. हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है. एंड जब सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है, फिर हमारा रिज़ल्ट आता है. गाइज, आई थिंक मोस्टली हर यूनिवर्सिटी में आपको अपना CGPA मेंटेन करना पड़ता है. कनेड में भी करना पड़ता है. 2.5 से CGPA कम नहीं होना चाहिए. अगर होता है तो आपको 3 बार वार्निंग लेटर्स मिलते हैं, और अगर फिर होता है आपका कम, तो फिर आपको निकाल भी देते हैं या फिर आपको कहते हैं कि अपना मेजर चेंज कर लो. CGPA के साथ ही साथ आपको अपनी अटेंडेंस को भी मेंटेन रखना पड़ता है. आप एक सब्जेक्ट में 4 से ज़्यादा छुट्टियां नहीं कर सकते. सब्जेक्ट्स की बात करें तो आपके पास मेजर होता है, कोर होता है और जर्नल होता है. मेजर और कोर आपको पहले से दिए होते हैं, आप बस अपनी टीचर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं. बट जर्नल में आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो. तो जब आपको कनेड में एडमिशन मिलता है, तो आपको वो एक यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं. फिर आप कनेड की वेबसाइट में लॉगिन करते हैं, आपका पोर्टल खुल जाता है. वहाँ आपको टाइम टेबल भी मिल जाता है और आप अपने सब्जेक्ट्स ऐड एंड ड्रॉप भी कर सकते हो. और एक सेमेस्टर में आप 6 सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, विच मीन 18 क्रेडिट आवर्स से ज़्यादा नहीं. और अगर टीचर्स की बात करें तो टीचर्स काफ़ी अच्छी हैं, बट मार्क्स नहीं देती. हर एक बच्चे को अच्छे मार्क्स नहीं मिल सकते, उनका कहना है. एंड फेवरेटिज्म भी बहुत बहुत ज़्यादा है. एंड गाइज, कनेड के बारे में मैंने काफ़ी चीज़ें सुनी थी, दैट कनेड ऐसा है, इसका माहौल नहीं अच्छा, ये है वो है. बट ट्रस्ट मी गाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है. कनेड की सबसे अच्छी बात यही है कि इट्स ओनली वुमेन यूनिवर्सिटी. इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं. एंड अगर कैंटीन की बात करें तो कैंटीन भी ठीक ठाक है. बहुत अच्छी वैरायटी नहीं है यहाँ पर, ठीक ठाक है. एनीवेज, एट द एंड द ओनली थिंग दैट मैटर इज़ द डिग्री. कनेड का काफ़ी नाम है और डिग्री भी अच्छी है, तो इट्स अ प्लस पॉइंट. सो गाइज, अगर आप फीस के बारे में जानना चाहते हो तो आप कनेड की वेबसाइट में सर्च कर सकते हो. वहाँ आपको सब कुछ इन डिटेल मिल जाएगा. आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए. आपने कुछ पूछना होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा. दैट्स इट. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड अल्लाह हाफिज़.